दुर्ग नगर निगम के पटरी पार क्षेत्र में 35 लाख रुपए की लागत से डामरीकरण का कार्य किया जाना है, जिसका भूमि पूजन दुर्ग विधायक एवं महापौर की उपस्थिति में किया गया। पटरी पार क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का विकास कार्य किया जाना है, इसी कड़ी में रोड के डामरीकरण के कार्य के बारे में दुर्ग विधायक ने मीडिया को कुछ इस प्रकार बताया। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल 15 वर्षों का रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम परिषद ने कभी भी विकास कार्यों की सुध नहीं ली। कांग्रेस पार्टी के आने के बाद, हमारे सरकार बनने के बाद और नगर निगम में हमारी सरकार बनने के बाद, शहर के उन मार्गों का डामरीकरण किया जा रहा है जहां पर मतलब चलने में लोगों को बहुत कठिनाई होती थी, दुर्घटनाएं घटित होती थी, कई लोग दुर्घटनाग्रस्त भी हुए हैं और उनको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। उन सब को ध्यान में रखते हुए शहर के लिए लगभग अभी वर्तमान में 5 करोड़ और 10 करोड़ रुपए अभी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें स्वीकृति दी है। 5 करोड़ की लागत से शहर में डामरीकरण का कार्य प्रारंभ है विभिन्न वार्डों में। आज हम लोग ये जो पटरी पार क्षेत्र में हमने पहले भी डामरीकरण किया है अभी, और यहाँ पर ये जो सूर्या मॉल से लेकर चंद्रशेखर स्कूल तक का डामरीकरण लगभग 35 लाख की लागत से होना है। मैं क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को चुना और कांग्रेस पार्टी विकास करने में कहीं पीछे नहीं। आप देखिए शहर में जो विकास हो रहा है, तो मुख्य मार्ग बन रहा है, चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण 64 करोड़ का, ठगड़ा बांध, ऐसे तालाबों का संधारण, ऐसे बहुत से काम है जिसका सपना हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में देखा करते थे। अब ये सपना कांग्रेस के शासन में साकार हो रहा है। 35 लाख की लागत से सड़क का निर्माण होगा। सूर्या होटल से लेकर शहीद भगत सिंह स्कूल तक डामरीकरण का कार्य लगभग राशि 32-33 लाख की यहाँ पे स्वीकृत हुई है। आज हम लोग माननीय विधायक जी के साथ यहाँ भूमि पूजन करने आए हैं। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, लगातार माननीय विधायक जी के नेतृत्व में विकास कार्य चालू है। अभी लगभग दुर्ग शहर में 5 करोड़ का अधोसंरचना में विभिन्न वार्डों में काम चल रहा है। 3 करोड़ का मुख्य मार्गों में जो इस वार्ड से उस वार्ड को जो सड़कें जोड़ती है उसका कार्य चल रहा है। 7 करोड़ रुपए का टेंडर प्रक्रियाधीन है और उसके बाद लगभग 20 करोड़ रुपए की राशि और स्वीकृत है। कोरोना काल के चलते कुछ समय तक विकास जरूर अवरुद्ध हुआ था, लेकिन अब दुर्ग शहर का विकास की रफ्तार पकड़ चुकी है और आने वाले समय में दुर्ग शहर जो अभी ग्रामीण परिवेश में लगभग दिखता है वो शहरी परिवेश में दिखने लगेगा।